आइए आखिरी कलाम के हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे के हवाले से एक कलाम है, आप सुनेंगे आपको बड़ा सुरूर आएगा। तवज्जो से सुनिएगा और मैं सलामत रहे आपकी समातें, इतनी जबरदस्त तरीके से सुनने वाले बहुत कम हमें मिलते हैं जो साथ पढ़ भी रहे हो और दाद भी दे रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मरतबा कहते हैं यहाँ आगे वाले तो कह रहे हैं, पीछे वाले पता नहीं उनकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। आइए एक कलाम के चंद अशआर। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। काशी भाई सुनिएगा, भाई सुनिएगा, कोई लफ्ज़ों में कैसे हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में हमें कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। पर हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ से बड़ा है। दो शेर और सुनिएगा, सुनिएगा। नाम जन्नत का सबने सुना है, मैंने इसका नजारा किया है। नाम जन्नत का सबने सुना है, ने इसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे आका की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे आका की गलियों में क्या है। देखिए अगर कोई हमें मिलता है मदीने पाक में, हम कहते हैं कि भाई तुम यहाँ कहाँ, वो कहता है मेरा परमानेंट वीजा है। हम कहते हैं हम जब भी आते हैं तुम हमें यही मिलते हो, तो बोलते हैं हमारा परमानेंट वीजा है भाई, हम यहीं पे होते हैं। तो परमानेंट वीजा दो तरीके से होते हैं, एक तो वहाँ की गवर्नमेंट दे, एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे, तो फिर वो जन्नतुल बकी मिल जाती है।
तो फिर क्या होता है सुनिएगा आखिरी शेर कि मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो मेरे माबूद इल्तिजा है कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं सकूं मैं बाबे जिब्रील मेरा पता है कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं बाबे जिब्रील मेरा पता है सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं आगे आप बताएं लेकिन आका का अमल सब जुदा है। मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे फरीद भाई का, हमारे काशिफ भाई का, आपकी पूरी टीम का और बिलखुसूस साउंड वाले का, इनका अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि महफिल बहुत ज़बरदस्त अरेंज होती है, साउंड में थोड़ी सी हम कंजूसी कर जाते हैं तो फिर वो पढ़ने वाले के लिए तकलीफ हो जाती है। जो इतना अच्छा मैंने जो भी पढ़ा, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, जितना भी मैंने पढ़ा इसमें साउंड वाले का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।